इंटरेस्टिंग फैक्टर की हैगा करैक्टर दा जे ऑडियंस देखने एकदम ऑडियंस अट्रैक्ट हुंदी है जो सिनेमा घरों चो बाहर आउंदी ने थी थोड़ा दस सारी फिल्म तेनू सारी फिल्म मैं तेनू उम्मीद है बड़ी दसी फिर मुत्ते कौन जाऊगा देखन। वैसे विनू जी नाल मेरा बहुत पुराना रिश्ता है एज एन मीडिया कदे मीडिया करके भी है और साडी बहुत पुरानी दोस्ती भी है शी इज लाइक अ सिस्टर ते अज आई आ ने इत्थे जी आया नु जी तुसी देख रहे हो आजाद टीवी न्यूज़ चैनल से मैं हाँ बिनू शर्मा। फिल्म मुंडा रॉक स्टार के ट्रेलर लॉन्च से पहुंचे होते मेरे नाल साथ दी मना साथी रहम मोदी यानी कि मोहम्मद नाजी मौजूद ने। खास मौके पर गलबात कर रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग करैक्टर लैके आए फिल्म में। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी। थैंक यू बिनू जी। वैसे बिनू जी नाल मेरा बहुत पुराना रिश्ता है एज एन मीडिया कदे मीडिया करके भी है और साडी बहुत पुरानी दोस्ती भी है शी इज लाइक अ सिस्टर ते अज आई आ ने इत्थे जी आया नु जी। थैंक यू जी। पहला जाना चाहूँगा थोड़ी लुक बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है मुंडा रॉक स्टार से आप हेयर स्टाइल की गल करिए जी कन्ना च पाए ने तो लुक दे किदा वर्कआउट किया कि लुक पूरी थोड़े फिट बैठ रही है। लुक तो मैंने चेंज किया लुक तो जो मेरा फिल्म तो सू दिखी रहा पिछले पोस्टर च तो हूँ मैं कुछ नवा कर रहा तो वो करके थोड़े से बाल कटवाए ने मैंने बाकी थोड़ा जहा मैं रॉक स्टार सी भी थोड़ी फीलिंग था मैंने इस कर कन्ना च आ पाए ने। रियल लाइफ भी रॉक स्टार हो किन्ने के रॉक स्टार हो जानना चाहवा बिल्कुल भी नहीं मैं रॉक स्टार है रियल लाइफ तो रियल लाइफ मैं नाजम ही है जिदा का है बहुत ही चिल्ड आउट और मस्ती रहने वाला बहुत ही ब्लंट और बहुत रियल रहने वाला। नाजम टीवी शोज तो बहुत डिफरेंट जर्नी होती फिल्म आई है ना आप जो कंपेयर करिए। हाँ बहुत डिफरेंट जर्नी होती है नो डाउट। तो अक्सर थोड़ा देख रहा सोशल मीडिया से बहुत एक्टिव रहते हो जो भी कुछ पोस्ट कर दो तो डिफरेंट कर दो कॉमेडी भी होंगी है इमोशनल भी होंगे रोमांटिक भी होंगी है तो तिना जॉनर्स में किदा बैलेंस कर लेंगे हो थोड़े फैन यही वेट करते हैं कि मोहम्मद नाजम कदों पोस्ट कर कुछ भी सोशल मीडिया से। एज एन आर्टिस्ट यार सानू सारा कुछ करना ही पैंदा थोनू पता ही है बिकॉज हूँ जो जो जिस तरह का काम मिलता है बिकॉज अजकल रील के उपर भी मैं ऐसा कि जो मैं रील्स बना रहा अजकल रील्स वो जी चल रही होंगी है जी ट्रेंडिंग होंगी है फिर मैं वो पर गाँव बना या गाने लिपसिंग करदा है ना सिंक करके वो गाँव पा दिना तो मैं भी मज़ा आता है तो थोड़ा डिफरेंट भी लगता थोड़ा मज़ा भी आता तो इंजॉयमेंट भी हो जाती है तो फ्री ना फ्री रहन नालों ये लगता कि चलो तुसी कुछ तो कर रहे हो। थोड़े करैक्टर मैंने दो शेड्स देखने मिले हैं जो मैं देखा ट्रेलर एक तो रोमांटिक साइड है एक थोड़ा होर ही रूप नज़र देखने मिले साइड तो बिल्कुल भी नहीं है कि ये फिल्म च मेरी आ थोड़ा जहा वूमनाइजर है दिखाया भी रॉक स्टार है जिदा कि स्टार है स्टार वाली फीलिंग है तो कुड़ियाँ नाल होंदियां ने थोड़ा जो है तो थोड़ा जहा ग्रे शेड है फिल्म च। की इंटरेस्टिंग फैक्टर की है करैक्टर का जो ऑडियंस देखने एकदम ऑडियंस अट्रैक्ट होती है जो सिनेमा घरों से बाहर आदि ने उन्होंने दिमाग चो करैक्टर उन्होंने दिलो दिमाग चो हूँ मैं इतनी थोड़ा दसू सारी फिल्म तेन वो तो तेन देखने देखने जाना पा ना इंटरेस्टिंग फैक्टर हाँ तो इंटरेस्टिंग तेन वास्ते तेन 12 जनवरी मुंडा रॉक स्टार थिएटर देखनी पेगी जो सारी फिल्म इतने तेन उम्मीद बड़ी दसी फिर उत्ते कौन जाऊगा देख कोई चैलेंज फील किया अपने फिल्म दौरान। हाँ चैलेंजिंग यही कि थोड़ी मैंने जी अपनी बॉडी सी ट्रांसफॉर्म किया थोड़ा जहा लीन लुक लैके आया ताकि वो लगे बाल लंबे किए थोड़ा जहा अपनी लुक लैके चेंज किया और थोड़ा कपड़े लैके चेंज किया ताकि वो बिल्कुल मुंडा रॉक स्टार लगे हो लाइक लुक्स लगे काफ़ी तुसी अलर्ट रहते हो मेरे ख्याल ऑफकोर्स ऑफकोर्स ताकि वो करैक्टर दिखे बिकॉज एक आर्टिस्ट की सब तो पहली यही चीज़ होंगी कि वो जो लुक्स है ना जो करैक्टर वह उस लुक्स वो लुक च दिखना चाहिए ताकि लोग उसको एप्रीशिएट कर लोग उन्होंने रिलेट कर कि बेस्ट एक्सपेरिमेंट प्रूफ हो सकती है थोड़े करियर की फिल्म मुंडा रॉक स्टार जी आप गल करिए। आई थिंक मैंने हूँ तक जिन्हें भी काम किए ने मैंने लगता तो सारे बेस्ट ही होंगे ने तो बेस्ट ही करते रहेंगे तो बेस्ट ही करते आया हूँ तक है ना अपनी तरफ तो बेस्ट ही करता बाकी तो हूँ ऑडियंस के उपर हूँ कि ऑडियंस को कितना वधिया लगता है। की फ्यूचर प्लान ने इस फिल्म तो बाद कोई होर थोड़ा प्रोजेक्ट पाइपलाइन हो? हाँ है एक दो प्रोजेक्ट तो आजू हूँ थोड़े दिनों में मैं हरे उन्होंने रिवील नहीं करना चाहता बिकॉज मैं हरे फुली अपना सॉरी फुली फोकसड हाँ अपनी फिल्म की प्रमोशन लैके अपनी फिल्म मुंडा रॉक स्टार लैके तो आई थिंक थोड़े दिनों बाद इसका जो भी मैं अगे काम कर रहे हैं वो थोड़ा पता चल जाएगा। 12 जनवरी फिल्म सिनेमाघर में रिलीज़ हो रही है लोहड़ी के शुभ मौके आ रही है एक तुम अपनी ग्रैंड ओपनिंग भी कह कह जाता चढ़ते साल ही मुंडा रॉक स्टार जाते जाते ऑडियंस न फैनस न की कहना चाहोगे? नहीं ग्रैंड ओपनिंग तो नहीं मैं कहूँगा बट हाँ बिग एंट्री भी नहीं बिग एंट्री तो मेरी पहले हो चुकी है बिग डैडी तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नवे साल के उपर जिदा कि पता होता कि नवे साल है इंसान नवे साल तो नवे काम शुरू करता है तो नवे साल से मेरी फिल्म आ रही मुंडा रॉक स्टार तो अपना पंजाबियों का फेस्टिवल है लोहड़ी तो उस दौरान फिल्म आ रही तो आई रियली एप्रीशिएट आई बट लिटल बिट नर्वस भी हाँ मैं तो कि मेरी फिल्म आ रही है बट यही है अपने ही है कि मैं
जिन्नी भी मेरी ऑडियंस है, जिन्हें मेरे फैनस ने, मैं सबनों यह कहना चाहता कि जिन्ना हूँ तुम प्यार देंदे आ रहे हो उन्ने ही प्यार तुम मेरी इस फिल्म दियो मुंडा रॉक स्टार। तुम्हें कहेंगे मेरे को गबरू मुंडा की फिल्म देखने जानी है 12 जनवरी में मुंडा रॉक स्टार मोहम्मद नाजिम जो बहुत फेमस करैक्टर इन्होंने रह चुके हैं मोदी का साथ निभाना साथी तो एक सरप्राइज ही होगा इन्हों की एंट्री का इन्होंने एक्सपैरीमेंट्स का। तो फिल्म बहुत वधिया फिल्म फुल ऑफ एंटरटेनिंग है यह जी फिल्म जी परिवार में बैठ के तुम देख सकते हो। तो 12 जनवरी में सारे अपने परिवार दोस्तों मित्र सिनेमाघर में जाओ मुंडा रॉक स्टार। ताज़ा अपडेट्स लिए बने रहो आज़ाद टीवी न्यूज़ नाल। थैंक यू आज़ाद टीवी, गॉड ब्लेस यू।